आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे NT24। खबर सबसे पहले। खबर यूपी के प्रयागराज से। संगम नगरी प्रयागराज से मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का अटूट नाता रहा है। इसी माटी में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ और बचपन बीता। 1984 में अमिताभ इलाहाबाद सीट से सांसद भी बने और अब जब अमिताभ खुद और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है तो पूरे शहर में चिंता की लहर दौड़ गई। लोग अमिताभ के लिए पूजा प्रार्थना और दुआएं करने लगे हैं। संगम नगरी में यमुना किनारे प्रसिद्ध प्राचीन तक्षक तीर्थ में अमिताभ के लिए 10 महाविद्या का हवन पूजन किया गया और अमिताभ और अभिषेक के दीर्घायु होने की कामना की गई। तक्षक तीर्थ के प्रमुख तक्षक स्वामी ने बताया, 10 महाविद्या का हवन किया गया है। ये हवन सभी प्रकार के रोग दोष दूर करता है। माना जाता है तक्षक महाराज सभी प्रकार विष के स्वामी हैं और जब अमिताभ उनके बेटे कोरोना रूप विष से पीड़ित हैं तो तक्षक महाराज कोरोना रूपी विष का पान कर अमिताभ बच्चन और अभिषेक को रोग से मुक्त कर दीर्घायु प्रदान करेंगे। ये महाविद्या का हवन किया गया क्योंकि तक्षक संपूर्ण विषों के स्वामी हैं। तक्षक के स्थान पर ये हवन किया गया ताकि क्योंकि ये 10 प्रकार के शूल और 15 प्रकार के ज्वरों का नाश करने वाला अत्यंत प्रभावशाली महाविद्या का हवन होता है और यह अनेक प्रकार के दोषों का नाश करने वाला, गुणों को प्रदान करने वाला होता है। और इसके पहले भी जब जब अमिताभ बच्चन के ऊपर या उनके परिवार पर संकट आया है तो यहाँ ये हवन किया गया और उनका कल्याण हुआ। आज ये कोरोना नामक विषाणु से ग्रसित हैं, उस विषाणु से इनकी रक्षा और स्वास्थ्य रक्षा के लिए ये महाविद्या का हवन आज किया गया है ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक हो और पुनः राष्ट्र की सेवा में वो समर्पित रहे। प्रयागराज से शमशाद सिद्दीकी की रिपोर्ट।